सर मेरा नाम सोनू भुईयार है और मेरी तहसील सरदाना है और ये मवाने में भी हमारे समाज के काफ़ी 95 के करीब हमारे गांव के निवास करते हैं, हर गांव में जनसंख्या। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए, जो DM साहब और तहसीलदार महोदय जी ने रिटर्न में आदेश कराया है अभी 2 फरवरी को, तो इसमें जो है शासन आदेशों का हवाला दिया गया है। और जैसे कि परिवार रजिस्टर लगाओ, स्कूल TC विद्यालय की TC लगाओ और पूर्व का परिवार का किसी का भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र लगाओ, उन सभी जो तहसीलदार महोदय ने अपने आदेश किए हैं उनमें हम नियमानुसार आवेदन किए कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के बच्चों के निरस्त किए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप तहसीलदार से अभी मिले, उन्होंने क्या बताया? अभी तहसीलदार साहब महोदय जी ने बताया है कि मैं अभी लेखपालों की मीटिंग लेती हूँ, इन्हें बुलाती हूँ और इन्हें हिदायत दूंगी और अभी आपके जो पेंडिंग है अभी हम जारी करेंगे जाति प्रमाण पत्र। ये कब से चल रहा मामला? सर ये कम मामला तो अभी हमारे जो देखो 2-3 साल से ऐसे कर रखा है, कभी जारी कर देते हैं कभी रोक देते हैं। जी मेरा नाम जयपाल सिंह है, पूर्व सभासद हूँ, जयपाल सिंह कोरी, पूर्व सभासद नगर पंचायत परिषद गढ़ से हूँ और मैंने कोरी जाति से ही तहसील मवाने में सर्टिफिकेट बनवा के चुनाव लड़ा। आज ये उस सर्टिफिकेट को मना कर रहे हैं, मेरे बच्चों के भी बने हुए हैं, ऑल इंडिया भी बने हुए हैं और ये फिर भी जो है सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये जातिवाद तो बात नहीं कर रही क्या मैडम? है जी, तहसीलदार इनको समझा दिया, हाई कोर्ट का भी आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का, DM साहब का भी आदेश, और DM साहब का भी आदेश आ गया जी। तो ये कहीं ऐसे तो नहीं है कहीं नो हरिजनों का बनना है? बस वही है जी, थोड़ा क्या भेदभाव कर रही है और तहसीलदार महोदय नहीं कर रही भेदभाव, कुछ लेखपाल कर रहे हैं। ये नहीं कि लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम है, एक तो समर सिंह है, हाँ जी, विकास लेखपाल है नेहडू गांव से, पीतम जी हैं पटवारी, सचिन सैनी जी हैं झुंझुनी गांव से, हस्तनापुर से हूँ जी, मेरा अजय सिंह नाम है। भैया जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या है जी, लगभग भैया कुछ नहीं बना रहे, मैंने 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 3 साल से निरस्त कर रही है। अभी मैंने 1076 पे भी फ़ोन कर रखा था, मुझे तहसीलदार का फ़ोन आया था, मीटिंग करी मैंने तहसीलदार से लगभग 1 महीने पहले, इन्होंने फिर पटवारी को कहा, पटवारी ने कागज लिए मेरे से, उसके बाद में भी इन्होंने निरस्त कर दिया जी। ऑर्डर भी बना रखा है, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, देख लो सर, ये समस्त लेखपालों के लिए है लेकिन उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। इसमें स्कूल की कमेटी भी बैठी है हमारी और हम ये इसमें लगा हुआ है, फोटो लगा, सोम का घोषणा पत्र भी है, एफिडेविट भी लगा हुआ है, पुरानी जाति प्रमाण पत्र भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखो। और सर एक दिक्कत हो रहा है कि जो आदेश DM साहब आदेश कर रहे हैं उस आदेश का पालन ना करके दूसरा आदेश बना के करते हैं यहाँ से, वो कुछ ना कुछ कमी कोई ना कोई त्रुटि निकाल देते हैं उसमें। जब DM साहब ने ये कह दिया कि अगर होपलाइन किसी परिवार का बना हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट जारी करें जो पहला बना हुआ है, उसके बाद फिर भी नहीं बना रहे, तो हिंदू जुलाह जाति करके जो कैंसिल कर देते हैं, जबकि हिंदू जुलाह को जाति नहीं है, पेशा है, धर्म हिंदू है, पेशा जुलाह है, जाति कोरी है, ये हाई कोर्ट ने भी माना, जजमेंट है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग यहाँ पे धरने में बैठे हो कैसे? धरने में क्या जो बस यहाँ पे तो जो भी परेशान होता सब यहाँ पे आए हैं। हमारे जाति प्रमाण पत्र आज नहीं जारी करेंगे तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम ने कितने समय मांगा? अभी 10 मिनट के लिए बोला है, मैं 10 मिनट का समय माना जी, मीटिंग लेती हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार कोरी है, गांव सुरूप खुर्द, तहसील सरदना, जिला मेरठ का मूल निवासी हूँ और ये समस्या काफ़ी दिन से जाति प्रमाण पत्र की चली आ रही है। 3 बार ADM साहब, DM साहब और कोरी भुईयार समाज की मीटिंग हो चुकी है DM साहब कार्यालय में, सपट आदेश जारी कर दिया DM साहब ने भी और ADM साहब ने कह दिया हिंदू जला, ये बार बार गांव में जान गए, इनकी जाति हिंदू जला जाति नहीं है, हिंदू जला एक पेशा है, जो कपड़े बुनने कार्यकर्ता वही कोरी है। सपट आदेश दे रखे, सरदना तहसील में धरना दिया 5 दिन, 5 दिन में धरने पर यह बात कही थी कि जाति प्रमाण पत्र कोरी और भुईयार का जाति प्रमाण पत्र लेके उठेंगे या ऐसे उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। हमने जो कर मवाने में एक जाट का लड़के ने अपने आत्महत्या कर ली थी, वही हाथ में हमने चैलेंज देते था सदन तहसील में, तो जाति प्रमाण पत्र कोरी के भी और भुईयार के जाति प्रमाण साइड साइड बन रहे जा रहे। ये तो पब्लिक को, हमारे छोटे भाइयों को, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, और रुपये देंगे तो जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। अब चुनाव आ जाओ,
चुनाव के 20,000 रुपये गड्डी गाल दे पटवारी की जम है, जब कोई भूयार कहाँ से बन जाएंगे एकदम। अच्छा पटवारी क्या नाम है? मैं इन्हें बताऊँ नाम क्या? सचिन सैनी है और कौन के नाम भाई? समर सिंह है जी। ये ज्यादा अबदारी कर रहे हैं, ये डीएम साहब को नहीं मान रहे और पट और प्रिंस है ये नहीं मानने किसी को भी। ये ज्योति कहाँ की ज्योति बताओ आगे छोटा बस समस्या यही है कि जाति प्रमाण पत्र बच्चों के बनवाओ। जब उच्च अधिकारियों के शासनादेशों की कभी अवहेलना कर रहे हैं और स्पीकिंग ऑर्डर तहसील मवाना ने रिटर्न में करके दे रखा है समस्त लेखपालों को, उसका भी अवहेलना कर रहे हैं, अपनी हठधर्मी दिखा रहे हैं।